सारी मुश्किल इसकी वजह से हुई है, मेरी साइकिल की वजह से। यार हुआ सीन ये कि लोग पैदल आ रहे थे, अंदर एंट्री कर रहे थे और मैं साइकिल से कर रहा था, तो कोई मुझे साइकिल वाला नहीं दिखा। तो मैं सोच रहा था ऐसा ना हो यार, मुझे मना कर दे साइकिल, कहीं बोले कि नहीं बाहर जाओ खड़ी करो। तो मैं अंदर लेकर चला आया, कोई किसी ने रोका नहीं। फिर मैं पूछा एक लोग से भाई साइकिल खड़ी कहाँ करें, उन्होंने बोला जहाँ कार खड़ी है उसी के साइड में कहीं जाके खड़ी कर दो। यहाँ पार्किंग का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है और दोनों तरफ है। तो स्टेडियम जैसे आपके पीछे दिख रहा होगा, मतलब मेरे पीछे दिख रहा होगा, तो यार अब सीधे काम करते हैं, बिना लेट किए चलते हैं स्टेडियम के अंदर, सीट वगैरह बैठते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है, तो बने रहे वीडियो में। तो ये रहा मेरा टिकट, रो डी है और मुझे जाना है गेट नंबर 4। मैंने बोला उन्होंने बोला किसी भी गेट से घुसो, मसला नहीं है, बस मैं लाइन्स लगा हुआ है ए बी सी डी की एफ तक के लास्ट तक है। तो तब से मैं लाइन घूम रहा हूँ उधर से आते हुए उधर से आते हुए, और सीन आप देख सकते हैं कुछ। और मेरा डी है, मुझे डी में जाना है, तो स्टेडियम में चल के आपसे मिलते हैं। तो भैया हम एंट्री कर गए हैं, और इसमें जो मैं रो डी खोज रहा था उसमें खोजने वाली कोई बात नहीं है, आप किसी में भी एंट्री करेंगे तो वहाँ पे बाहर लोग स्कैन करने वाले खड़े हैं, आपका वो स्कैन करेंगे, उसके बाद आप सीधे एंट्री कर जाएं, वॉलेट वगैरह जो भी चीज़ें वो आप वहाँ रख दें, मशीन स्कैन करेगी आपको, बस एंट्री कर गया। मुश्किल से मुझे 2 मिनट लगा। तो लोग कह रहे थे यार बहुत भीड़ होती है, ये होती है, ऐसा कोई भीड़ तो है लेकिन यार सिस्टम बड़ा फास्ट है यहाँ, तो लाइन में आपको लगना नहीं पड़ेगा, बस वो जो यूँ यूँ घूमना पड़ता है आने के लिए बस वही करना पड़ेगा। तो अब सीन आपको दिखा दें, एंट्री हम कर गए, ये है कुछ बाहर का इसका हिस्सा, एंट्रेंस था ये, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, माहौल कुछ ये है। तो चलते हैं स्टेडियम के अंदर, बाहर तो कुछ है नहीं, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो है स्टेडियम के अंदर जाने, क्योंकि अभी तक कभी मैं एंट्री नहीं किया था, पहली बार मैं किसी फुटबॉल स्टेडियम के अंदर एंट्री करने वाला हूँ, तो जो खुशी है इसका मैं क्या ही बताऊँ। और अभी एक टिकट मेरे पास और भी है, वो 28 तारीख का। स्टॉल के मैं हूँ क्या फैम आप क्या की दुनिया, बल्कि मैं आप लोगों का एक नया ब्लॉग में, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे दिल्ली से कुछ अलग हटके सीन है। तो जी हाँ, आज 15 तारीख और मैं आ चुका हूँ जॉर्डन वर्सेस मलेशिया का मैच देखने, और ज़िंदगी का पहला मैच है फुटबॉल मैच। एक मैच मैं देख चुका हूँ स्टेडियम में, वो एशियन कप था शायद, ये भी एशियन कप है लेकिन वो दूसरा था, वो क्रिकेट था, ये फुटबॉल है। तो ज़िंदगी का ख्वाब पूरा होने वाला है स्टेडियम में बैठ के। मैं वैसे मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, इसको भी आप उस लिस्ट में आप जोड़ लें। तो यहाँ का मंज़र बहुत बेहतरीन है यार, ठीक है आप बस देखो, तो सीन कुछ ये है, पहुँच चुके हैं हम मैच देखने के लिए, स्टेडियम से एंट्री कर चुके हैं, तो जो कि आप पहले वो देखे होंगे कि मैं एंट्री कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाया है। तो आप सीधे चलते हैं स्टेडियम के अंदर और देखते हैं माहौल क्या है, और अपनी सीट भी खोजनी है, तो फिर बने रहें। तो ये जो है ये मलेशिया के फैंस हैं, और मुझे जाना है गेट नंबर 4 से एंट्री करनी है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वो है गेट नंबर 8 और 9। तो मैं खोज रहा हूँ गेट नंबर 4 किधर है, तो बाहर कोई सीन नहीं, बाहर आप किधर से भी एंट्री कर लें, बस अंदर घुसते वक्त आपको गेट नंबर देखना पड़ेगा। चलें फिर एंट्री करते हैं, मिलते हैं आपसे। तो आपको मैं सीन दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मैं कर गया एंट्री। चलते सीट खोजते हैं और बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर बड़ा बच कर रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि मसला ये है या फिर बहुत तेज ये बॉल मारते हैं तो एकदम मुंह पे आती है, तो अगर आपकी एक भी नज़र हटी है और आपके मुंह पे पड़ा तो चश्मा तो गया, अभी जस्ट ये मेरे सर की साइड से गुजरी है बॉल, बस वो कैमरा ऑन नहीं था। तो अभी तक आपने बहुत शोर सुन लिया, तो अब बारी है वॉइस ओवर करने की। मुझे लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही कानों को दर्द दे रहा हूँ आपकी, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह माइक आ रहा है 28 तारीख या 29 तारीख को माइक आ जाएगा बेहतरीन क्वालिटी वाला, फिर ये दिक्कत नहीं होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बारिश कराई जा रही है फील्ड को गीला करने के लिए, सारे मलेशिया के फैंस घर जाना बैठा हूँ, दौड़ने के बड़े नज़र आ रहे हैं यार। मैच शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है, जब होता है तब दिखाता हूँ आपको, शायद ये 2 पार्ट में आएगा लाइटिंग। जो लाइट शो था ये गजब का था, लाजवाब था, बेमिसाल था, कैमरा वो उतना सही कैप्चर कर नहीं पाया, लेकिन यार जो नाखों ने देखा है वो क्या ही देखा है, बेहतरीन।
और अब यहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा सा दिखाते हुए, बस माइक की कमी थी। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओ कैमरा वाले भैया, कैमरा इधर भी कर दो यार, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है, साइड से ला के हटा दे रहा, शक्ल नहीं ला रहा मेरी। उसको लग रहा होगा ये इंडियन यहाँ कहाँ है मैच देखने, लेकिन यार क्या बताऊँ कि मुझे इंडिया का टिकट नहीं मिला यार भाई, टाइमिंग सेट नहीं हो पाई और टिकट भी नहीं मिल पाया, सब का सब बुक हो चुका क्योंकि इंडिया वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब ये मलेशिया का नेशनल एंथम शुरू होने वाला है और यहाँ पे लोग पढ़ भी रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आपको आ रही होगी। चलें फिर खुद को दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला हूँ शायद, अरे बोल दो भाई। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मलेशिया का नेशनल एंथम शुरू होने वाला है। सब प्लेयर आ रहे हैं यार, मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये प्लेयर आ रहे हैं और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ भैया, तो लिपसिंग में अगर थोड़ा इधर उधर जबान जाए, मतलब वोट इधर उधर हो रहे हो तो उसको मत लो आप, ठीक है, क्योंकि मैं घर पर बैठा हूँ और वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है। तो जो मैंने अभी पहले बोला था आपसे कि नेशनल एंथम शुरू हो चुका है, अभी कुछ नहीं हुआ था, वो कुछ और हो रहा था, मलेशिया का नेशनल एंथम स्टार्ट हो चुका है। मैं बंद कर रहा हूँ अपनी वॉइस पे, ऐसा ना हो कॉपीराइट वगैरह आ जाए, उनको ज़्यादा ही दिखा रहा हूँ। शुरू हो चुका है जॉर्डन का नेशनल एंथम। बड़े कम लोग हैं यार यहाँ पे, ज़्यादा नहीं सपोर्ट है यार, मैं गलत हूँ, काफ़ी ज़्यादा मलेशिया ज़्यादा जॉर्डन। तो मैच जो है वो शुरू हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और यार इन लोगों को देखो शुरू से चिल्लाया जा रहे हैं, बहुत दम है लोगों के अंदर, मानना पड़ेगा कि मलेशिया वाले थे। और मेरे साथ हुआ ये कि काफ़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाया कि मलेशिया कौन है जॉर्डन कौन है, मैं वैसे ही मज़ा ले रहा था। तो खैर, येलो वाले मलेशिया के थे और रेड वाले जॉर्डन के थे। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया वीडियो लंबी हो रही है, तो विदा लेता हूँ आप लोगों से, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। अभी ये आगे बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी हाफ टाइम होगा, उसमें मैं क्या खाऊंगा वो सब दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखना भाई, अस्सलाम वालेकुम।